हेलो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ठीक है, मेरा नाम शुजात शाह है और अभी ये आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी का फर्स्ट लेक्चर है। अभी आपके टेक्सटाइल केमिकल एंड प्रोसेसिंग के और आपका टेक्सटाइल टेस्टिंग के एक एक लेक्चर हुए हैं। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट आपका जो एक सब्जेक्ट और है, नीटिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, उस पर लेक्चर कल इस पर अपलोड हो जाएगा। ठीक, तो अभी आपको जो एक आपका ये सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल सेफ्टी टेक्सटाइल, थोड़ा सा ये टेक्सटाइल से हट के भी है, कह सकते हैं आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। तो टेक्सटाइल टेस्टिंग, नीटिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी और आपका टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग, अब ये आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट है, ये आपका फोर्थ जो सब्जेक्ट है वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी है। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपको बेसिकली थ्योरी पढ़ना है, अगर आप अपने आप भी एफर्ट करेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन आपको पूरी तरह से समझा दिया जाएगा कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। आप जैसे इंडस्ट्रीज़ में कभी आप जाओगे, अभी गए होगे, तो वहाँ देखोगे बहुत सारे रिस्क हैं आपके। ठीक है, अगल बगल बहुत सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाईज हैं, केमिकल्स हैं और आपके हैवी लोड लिफ्टर हैं, है ना। तो ये सब आपके, इन सब से हमको क्या सेफ्टी करनी है, कैसे सेफ्टी करनी है, ये आपके इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो सब्जेक्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है अभी। अच्छा, इसकी बुक का एक बार आप लोग देख लेना, कोई भी इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बुक आपको मार्केट में डिप्लोमा के अकॉर्डिंग जो भी मिल जाए आप ले लेना। ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड बुक इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी बुक आएगी आपकी कोर्स की समझ जाएंगे। इसमें आप बहुत कुछ अपने आप भी लिख सकते हैं, अपने अगर आपको नहीं भी आता है, अपने में भी बहुत कुछ अपने आप भी सुना होगा सिंपली सेफ्टी से रिलेटेड, तो वो चीज़ें अपने आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, इसमें आपकी 5 यूनिट हैं सिलेबस में। तो फर्स्ट यूनिट जो सिलेबस में है वो आपकी, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन मतलब आपको स्टार्टिंग में यही पढ़ना है कि व्हाट इज़ द नीड फॉर इंडस्ट्रियल सेफ्टी। नीड फॉर इंडस्ट्रियल सेफ्टी मतलब इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्यों चाहिए। अब यही है, आप वैसे तो आप अपने आप भी इसको लिख सकते हो, लेकिन एक बार आप रीड करोगे या पढ़ोगे तो और अच्छे से बेटर वे में आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे नीड फॉर इंडस्ट्रियल सेफ्टी, है ना, मतलब एक्सीडेंट्स ना हो, और कई सारे वो होते हैं जैसे कुछ एक्सीडेंट अगर इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है तो इंडस्ट्री का भी लॉस होता है और जिस पर्सन के साथ हुआ है उसका तो लॉस होता ही है। ठीक है, तो कई तरह के लॉस होते हैं, खाली इकोनॉमिकल लॉस या फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, सोशल लॉस है, हर तरह का लॉस होता है। तो ये अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद लीगल, ह्यूमैनिटेरियन, इकोनॉमिक एंड सोशल कंसीडरेशन। जब इस तरह की कोई चीज़ होगी, ठीक है, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक हेल्प भी दी जाती है। सपोज़ कोई वर्कर है, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया मशीन पे, तो उसको कंपनी सपोर्ट करेगी, आपको इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करेगी। ठीक, और सोशली मतलब आपका सोशली एज अ सोसाइटी के तौर पर आपको उनको थोड़ा बैकअप करेगी। ठीक, तो ये सब है। इसके बाद सेफ़ वर्किंग कंडीशन एंड प्रोडक्टिविटी। सेफ़ वर्किंग कंडीशन मतलब अब इंडस्ट्री, आपकी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे ये सर्टेन किया जाता है कि जो वर्किंग कंडीशन हो वो सेफ़ हो। जैसे कोई भी तरह की कोई आपका सपोज वायरिंग है या कोई केमिकल है, तो वो एकदम अलग रखा जाए और सेग्रीगेट रखा जाए, जहाँ पे कम से कम रिस्क हो किसी के उसको यूज़ करने का या किसी के पढ़ने का। ठीक है, तो जो अथॉरिटीज़ हैं वही उसमें डील करें बस, जो रिलेटेड हैं। ठीक है, और जो इंडस्ट्रीज़ होगी, अब जैसे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाओगे तो ये इट डजेंट मीन कि जस्ट आपके टेक्सटाइल इंजीनियर्स ही होंगे वहाँ पे, वो तो पूरी इंडस्ट्रीज़ है, मैकेनिकल मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई है और केमिकल का भी पूरा वर्क है। तो आप टेक्सटाइल इंजीनियर, आपका मेन तो स्ट्रीम टेक्सटाइल की रहेगी, बट आपको सपोर्टिंग में हर तरह के, हर फील्ड के मेम्बर्स होंगे वहाँ पे। मैकेनिकल कोई फॉल्ट आ रही है या मैकेनिकल कोई डैमेज हो रहा है तो उसके लिए अलग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी। ठीक है, अलग से डिपार्टमेंट होंगे। इलेक्ट्रिकल है, अब इलेक्ट्रिकल अगर कोई फॉल्ट हो रहा है तो उसको टेक्सटाइल इंजीनियर्स तो उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो उसके लिए अलग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होंगे। आजकल जो मशीन्स हैं वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो रही है मशीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स आपके वहाँ पर रहेंगे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। क्लियर है, तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको ये रखा जाएगा। अब इसके बाद है अनसेफ कंडीशन एंड हैजार्ड्स। हैजार्ड्स मतलब होता है मतलब डेंजर्स, है ना। अनसेफ मतलब अनसेफ कंडीशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ होंगी जहाँ पे अनसेफ होगा आपका, है ना, कोई कंडीशन वहाँ की जो भी जैसी भी होगी थोड़ी सी अनसेफ होगी। जैसे कहीं पर कोई आपने वायरिंग करी इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए तो वहाँ पर वो क्लोज नहीं किया प्रॉपर, वो पॉइंट खुला रह गया, या कहीं पे फ्लोर पे या जो ज़मीन पे कहीं केमिकल ऐसा पड़ा हुआ है जो आपको, आपके शूज़ के साथ आपके जो पैर हैं, लेग्स हैं, उनको भी डैमेज कर सकता है। तो ये है आपके अनसेफ कंडीशन एंड हैजार्ड्स, है ना। और
का आपको जैसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्यों ज़रूरी है, तो इसके लिए आपने एक दो चीज़ें और भी सुनी होंगी। जैसे हम लोग, हमारा ये कुछ ट्रेजडीज़ हुई हैं जो बहुत, जैसे भोपाल में आपने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजडी, तो कह सकते हैं वो भी एक एक्सीडेंट था इसी का, कि वहाँ पे क्या था, केयरलेसनेस का इशू था, केयरलेसनेस की वजह से ही ये प्रॉब्लम हुई थी, है ना। तो वही चीज़ थी कि सेफ्टी में थोड़ा सा लूप होल आ गया था, सेफ्टी में थोड़ा फॉल्ट हो गया था, मतलब इंडस्ट्री से उसको जो पाइपलाइंस थी, आप पढ़ना अपने आप या यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप इसको अलग से सर्च करना कि भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है, मतलब वहाँ पे हुआ क्या था, है ना। मेथिल आइसोसाइनाइड गैस थी, वो कैसे लीक हुई, क्यों लीक हुई, उसको क्या रोका जा सकता था, प्रिवेंट किया जा सकता था उसको, ठीक है, तो उसका प्रिवेंशन हो सकता था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेंटेनेंस सही नहीं किया गया था, मेंटेनेंस का फॉल्ट था, और उसको चेंज करना था, बहुत दिन से चेंज होना था जो भी आपके वॉल थे जहाँ से गैस लीक हुई थी। तो इसको आप डिटेल में एक बार पढ़ना कि इसमें ऐसा क्या हुआ था ना। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे केमिकल्स पाइपलाइन में रहते हैं, ठीक है, बहुत टेम्परेचर रहता है और बहुत सारी इलेक्ट्रिक सप्लाईज होती हैं, तो इसीलिए हमको ये सब चीज़ें आपकी देखनी है। तो ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं, आप देखना, थोड़ा और अच्छी नॉलेज आप की बढ़ेगी। जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी है, और एक आपका रशिया में पावर प्लांट में आपका चेर्नोबिल एक प्लेस है, वहाँ पर पावर प्लांट बन रहा था, तो वहाँ पावर प्लांट में भी जो है ऐसे ही फॉल्ट हुई थी, तो वो केयरलेसनेस थी, केयरलेसनेस की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा जो है न्यूक्लियर डिज़ास्टर हो गया था, बहुत बड़ा जो न्यूक्लियर डैमेज हो गया था वहाँ पर, जो रेस थी, जो उसकी न्यूक्लियर रेस जो थी वो आपकी बाहर पूरे सिटी में फैल रही थी, तो वो बहुत मुश्किल से फिर उसको हमने बहुत मुश्किल से उसको कंट्रोल किया गया। और भी एक दो जगह जापान में भी ऐसा न्यूक्लियर केस हो चुका है, तो इसको आप देखना, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको समझ में आएगा कैसे क्या जो है कहाँ कहाँ पे, आप ये देखना कहाँ पे वीक पॉइंट रह गया। वही चीज़ हमको यहाँ पे पढ़नी है कि हमको मतलब इस तरह से एनवायरनमेंट रखना है कि सेफ साइड रहें, इस तरह कोई मिस्टेक ना हो हमसे, कि हम हमारे इस तरह के बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाएं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी हो गई और ये आपका चेर्नोबिल हो गया, ठीक है। तो ये इसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोशल कॉस्ट, है ना। सोशल कॉस्ट मतलब वही कि सोशली सोसाइटी में रह रहे हैं आप, उस पर कॉस्ट लगेगी, फाइनेंशियल कॉस्ट आएगी कंपनी के लिए, ना, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसके बाद रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, मैनेजमेंट का आपका अलग फंक्शन है ना, मैनेजमेंट मतलब बोलते हैं जो पूरा आपका ऊपर जो लेवल पे जो बंदे होते हैं, मतलब ऊपर हायर अथॉरिटीज़ जो होती हैं उनको एक तरह से मैनेजमेंट बोलेंगे, जो आपकी देख रही चीज़ है कैसे क्या करना है, ठीक है, तो उनका बहुत बड़ा रोल है। और वर्कर्स का तो रोल है ही है, वर्कर्स को क्या करना है, वर्कर्स को अपनी अलग प्रिकॉशन लेना है, ठीक है, वर्कर्स को सेफ्टी लेना है अलग, और अगर कुछ मैनेजमेंट फॉल्ट है तो उसको भी मैनेजमेंट को वो चीज़ देखनी है। तो ये आपकी फ़र्स्ट यूनिट है, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसका फर्स्ट यूनिट में बहुत ऐसे ही है बस, ठीक। नेक्स्ट आपका सेकंड जो यूनिट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन। अब एक्सीडेंट प्रिवेंशन मतलब कि एक्सीडेंट रोकना है, तो क्या क्या प्रिंसिपल है, कैसे हम एक्सीडेंट रोक सकते हैं, ना, तो एक्सीडेंट रोकने के यही है, मतलब फॉल्ट कहीं ना कहीं होगी हमारी, या मैनेजमेंट की हो या वर्कर की हो, तभी एक्सीडेंट्स होंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई चीज़ सपोज़ कोई पाइपलाइन है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको रिपेयर करना है या जिसको बदलना है, तो कई दिनों तक नहीं बदली गई है, तो उस वजह से वो चीज़ अब उसकी यूज़ की नहीं रह गई, लेकिन हम ज़बरदस्ती उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ फॉल्ट हो जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट आपके प्रिवेंशन में कैसे प्रिवेंट करना है, हमको एक्सीडेंट, इंजरी, डेंजरस अक्रेंस, है ना, कहाँ कहाँ डेंजर है, अनसेफ एक्ट, मतलब जो वर्कर्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि अनसेफ आपके हैं, ठीक है, अनसेफ कंडीशंस हैं, अनसेफ कंडीशन मतलब ऐसी जगह आपको काम करवाया जा रहा है, ऐसी मशीन्स पे जो थोड़ा सा, कई बार ऐसा भी होता है कि हम मशीन्स को ओपन करके मशीन चलाते हैं जब मशीन बहुत पुरानी हो जाती हैं, तो इस टाइप की ये सब पुरानी चीज़ उसके लिए, अगर नई है तब तो ओके चलेगी, कोई फॉल्ट नहीं होगी, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन हमें अवॉइड करनी है। इसके बाद आपका वही है कि हम कैसे एक्सीडेंट प्रिवेंशन कर सकते हैं, मतलब जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, ये आपके एक्सीडेंट हम लोग कैसे रोक सकते हैं, है ना। बड़ी बड़ी आपकी मशीनें होती हैं, उसमें आपके कई तरह के रोलर होते हैं, स्पेशली प्रोसेसिंग में, वीविंग में आपके लूम होते हैं, तो ये सब
इनमें एक सेफ़ जो है सेफ साइड रह के ही हमको जो है वर्किंग करनी है, चाहे एज अ वर्कर करनी हो चाहे एज एन इंजीनियर करनी हो, ठीक। और जो मैनेजमेंट की तरफ से फॉल्ट है वो मैनेजमेंट को रिपेयर करनी है कि अगर कोई चीज़ बदलनी है, कोई मशीन बहुत पुरानी है, ठीक है, जो ओपन होके एकदम चल रही है और एक तरह से वो जो है डेंजर है काफ़ी लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए, स्टाफ के लिए, तो उसको चेंज करवाना है या उसको सही से रिपेयर करवाना है, ये आपका है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, थर्ड यूनिट में आपको ये पढ़ना होगा सेफ्टी इंजीनियरिंग। सेफ्टी इंजीनियरिंग मतलब कि जो आपको हमें कैसे मतलब सेफ्टी हम कैसे कर सकते हैं, अब क्या क्या करना होगा हमें, सेफ गार्डिंग ऑफ मशीन। सेफ गार्डिंग मतलब यही कि प्रॉपर एक तरह से कवर करके, ठीक है, उसको प्रॉपर हम लोग सेफली रख सकें मशीन को, ना, तो ये सेफ गार्डिंग ऑफ मशीन। स्टेचरी प्रोविज़न रिलेटेड टू सेफ गार्डिंग ऑफ मशीन। अब स्टेचरी मतलब कई सारे आपके लॉज बने हुए हैं, अभी आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हर चीज़ का लॉज बना हुआ है। आप ऐसे ही वाटर यूज़ करके इंडस्ट्री वाले ऐसे ही कहीं नहीं वो कर सकते, एक लिमिट तक ही उनको अलाउड है कि इतना प्योर या इतना इतना जो है पॉल्यूटेड वाटर ही आप डंप कर सकते हैं, और जो वाटर आपका बचता है, ठीक है, वाटर बचेगा आपका केमिकल प्रोसेसिंग में या वीविंग में, उसको हम लोग ट्राई करते हैं फिर से यूज़ करें या उसको और जो है प्योरीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स ऑफ मशीन गार्डिंग, ठीक है, मतलब एर्गोनॉमिक्स मतलब होता है कि किसी पर्सन की या किसी वर्कर की कितनी एफिशिएंसी अपने फील्ड में काम करने की, ना, तो ये एर्गोनॉमिक मशीन गार्डिंग की पढ़ना होगी हमें। देन टाइप्स ऑफ गार्ड एंड गार्डिंग मशीन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब क्या कैसे कैसे हम लोग जो है मशीन को जो है गार्ड कर सकते हैं। इसके बाद है एक्सीडेंट एंड हैजार्ड, ठीक। अब सेफ्टी प्रिकॉशन इन ओपनिंग, क्लीनिंग, कार्डिंग, अब ये देखो सब टेक्सटाइल के टर्म्स हैं। ओपनिंग जो आपकी स्पिनिंग में होगी, ठीक है, स्पिनिंग मतलब जहाँ फाइबर से यार्न बन रहा है, तो वहाँ पे हमारा एक सेगमेंट होता है, वहाँ ओपनिंग होती है, ठीक, क्लीनिंग होती है वहाँ, ठीक। ओपनिंग क्लीनिंग मतलब ब्लो रूम के पार्ट हैं, तो यहाँ पे बड़ी सी ब्लो रूम लाइन आप जाओगे तो देखोगे अब तो बहुत जैसे जैसे टाइम रिसर्च हो रही है वैसे वैसे लाइन छोटी होती जा रही है, अदरवाइज बहुत बड़ी साइज़ में होती थी, पूरे पूरे रूम साइज़ की, इसीलिए उसको ब्लो रूम बोलते थे, है ना। तो ये ओपनिंग क्लीनिंग में क्या प्रिकॉशन है। कार्डिंग, कार्डिंग मतलब जैसे आप स्पिनिंग का ये भी पार्ट है, कार्डिंग में आप क्या करेंगे, कार्डिंग में हमारा जो फाइबर पड़ता है उससे हम स्लाइवर बन जाता है, ठीक है। स्लाइवर मतलब एक ऐसा यान की तरह, लेकिन यान एकदम फाइन हो चुका होता है एकदम लास्ट में, है ना, धीरे धीरे वो होता है, जैसे जैसे पीछे की स्टेजेस चलेंगी वैसे वैसे मोटा होगा, तो यान स्लाइवर एकदम जो है बस फाइबर को अटैच किए होता है, बाकी होता आपका ऐसे ही है, थोड़ा फ्लफी सा होता है, मतलब खुला खुला सा। उसके बाद आपका ड्राइंग है, ड्राइंग मतलब आपकी ड्राइंग हम लोग करते हैं स्ट्रेचिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिंग है, कॉम्बिंग आपकी स्पिनिंग में हम लोग क्या करते हैं, कई बार शॉर्ट फाइबर्स को हमको निकालने होते हैं। शॉर्ट फाइबर्स आपको पहले ही बताया कि शॉर्ट फाइबर्स तो पूरे स्पिनिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो कॉम्बिंग हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग कॉम्बिंग करते हैं घंगी करते हैं, बस वैसे ही कॉम्बिंग करनी है, ठीक है। वैसे तो वही बहुत डिफ़िकल्ट वो है आपका कॉम्पोजिट, मतलब पढ़ेंगे तो मशीन्स के बारे में, अगर अभी ये बेसिकली देखें तो कॉम्बिंग का मतलब यही है कि एक लैप टाइप की बनी है या स्लाइवर टाइप का फीड हो रहा है, ठीक, उसमें से छोटे छोटे फाइबर को कॉम करके अलग कर देगा। उसके बाद आपका फ्लाई फ्रेम, फ्लाई फ्रेम है आपका स्पीड फ्रेम है या सिंप्लेक्स है, ये आपकी ये इसी मशीन के नेम है, ठीक। ये जो आपका इसके बाद है रिंग फ्रेम, तो रिंग फ्रेम आपका आता है जहाँ पे रोविंग, देखो जब फाइबर से यान बना रहे होते हैं हम लोग तो अलग अलग जो है स्ट्रक्चर बनते हैं, जो पहले तो पहले वाले को हम लोग फाइबर बोलते हैं, फाइबर के बाद एक बीच की स्टेज बनती है उसको हम स्लाइवर बोलते हैं, स्लाइवर के बाद फिर जो बनता है वो रोविंग होती है, और रोविंग के बाद जो फाइनल स्टेज आती है तब जाके उसको हम यान बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे पतला होता जाएगा, पहले स्लाइवर बनेगा फिर स्लाइवर को हम लोग ट्विस्ट करके और पतला कर देंगे तो वो रोविंग बन जाएगा, और फिर जब रोविंग को और पतला करेंगे तो वो जाके यान बन जाएगा। तो इसमें आपको ये जितनी मशीन्स हैं इसमें भी हमको यही सब सेफ्टी लेनी है, ठीक है। जैसे स्पिंडल आपके रिंग फ्रेम्स में चल रहे हैं और आपने सेफ्टी नहीं ली है, कुछ इधर उधर हाथ लग गया या जो भी है, तो ये सब हमको प्रिकॉशन लेने हैं, ठीक। अब रोटर है, रोटर आपका क्या है, रोटर भी एक ये अलग अलग टाइप की स्पिनिंग है, ये रिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है रिंग फ्रेम ये एक तरह की स्पिनिंग है, और रोटर स्पिनिंग अलग तरह की दूसरी स्पिनिंग है, जिसमें हम फाइबर डालते हैं और डायरेक्ट यान मिल जाता है हमें एक मशीन से। अभी तक हम आपको रिंग फ्रेम की जो बता रहे थे वो बता रहे थे उसमें सीक्वेंस होता है चार पांच मशीन का, जो सीक्वेंस आपका यहाँ लिखा हुआ है देखो रिंग फ्रेम का, ओपनिंग,
देन क्लीनिंग, देन कार्डिंग, देन ड्राइंग, देन कॉम्बिंग, देन फ्लाई फ्रेम, रिंग फ्रेम, और फिर आपका ये रिंग फ्रेम के बाद वाइंडिंग और जो भी होगी, ठीक। लेकिन रोटर आपका, रोटर अलग से स्पिनिंग है। स्पिनिंग अभी और अलग टाइप की होती हैं, एयर जेट स्पिनिंग आएगी, ठीक है, और अभी कई टाइप की स्पिनिंग आएंगी, वो अभी आप नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ईयर में शायद पढ़ेंगे। इसके बाद वाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब जब यान बन जाता है, ये पूरा एक तरह से सीक्वेंस में लिखा हुआ है। वाइंडिंग मतलब जब यान बन गया ना, तो यान हमारे जो स्पिनिंग बनते हैं छोटे छोटे उसमें बनते हैं, छोटे छोटे आपके कोन टाइप में कह सकते हो, है ना, तो उसको हमको बड़ा वो करना होता है, तो उसके हम लोग पहले वाइंडिंग करते हैं। छोटे छोटे जो रोल हैं, जैसे 100 मीटर के बने, 100 मीटर के नहीं वैसे बनेंगे तो बहुत लंबे, बहुत लेंदी, लेकिन हम फॉर एग्जांपल 100 मीटर मान लेते हैं, तो 100 मीटर के बने। अब वीविंग पे हमें लगाना है, तो 100 मीटर लगा रहे तो बार बार बदलना पड़ेगा, तो इसके पहले हम लोग एक प्रोसेस कर लेते हैं वाइंडिंग। उसमें क्या है कि 100 मीटर के रोल हमने 10 लगा दिए पीछे और सबको एक दूसरे में वाइंड कर लिया, तो कितना बन गया, 1000 मीटर हो गया, ठीक है। तो अब ये 1000 मीटर का हम एक साथ लगा सकते हैं, तो ये आपका वाइंडिंग हो गया। डबलिंग मतलब, डबलिंग मतलब दो तीन स्लाइवर या दो तीन ये रोविंग आपस में हमने जो है मिक्स कर दी, इससे यूनिफॉर्मिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक। वार्पिंग, वार्पिंग क्या है आपका, वार्पिंग जो है आपका जो वीविंग है उसका पार्ट है। वार्पिंग मतलब हम लोग वार्प बनाते हैं, ठीक, उस अभी आपको पढ़ाएंगे तो सही समझ में आएगा वार्पिंग। साइजिंग में क्या है आपका, साइजिंग में आपका जो है हम लोग यान को साइज़ करते हैं, हमने आपको बताया था कि स्टार्च से साइज़ करते हैं, सो दैट उसका जो है क्वालिटी वो मेंटेन रहे, ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाए। इसके बाद है आपके वीविंग ऑपरेशंस हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है मटेरियल हैंडलिंग। ये जो मटेरियल हैंडलिंग है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक। जो भी आप यान बना रहे होंगे या फैब्रिक बना रहे होंगे या प्रोसेस कर रहे होंगे, तो ये मटेरियल हैंडलिंग है, इसका पूरा सिस्टम होता है कि एक एक फ्लो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे कौन सा मटेरियल रखना है, ठीक, उन सब का सेक्शन बना होता है, तो कोई मिक्सिंग नहीं होना है, मतलब एक तरह का ही सेग्रीगेट हमको अलग रखना है, ठीक है। ये इसके बाद आपको ये पढ़ना होगा कि बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं, ठीक है, जो हमें पिक करने के लिए, जैसे हम लोग क्रेन व्रेन यूज़ करते हैं, ठीक, तो टेक्सटाइल में ऐसी कौन सी मशीन, अब ये सब यूज़ होगा टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में, ये वाली मशीन्स कौन सी यूज़ होंगी, जैसे लिफ्ट हो गई, फॉक्स हो गए, है ना, मोटर ट्रॉलीज हो गई, ये डिपेंड करेगा कि छोटे काम के लिए छोटी मशीन यूज़ करेंगे, बड़े काम के लिए बड़ी मशीन। तो सिर्फ ये नहीं है कि यान ही बनेगा, बस वहाँ यान बनता रहेगा, यान बनेगा हैवी हैवी, सपोज़ फैब्रिक है, फैब्रिक बन रहा है रोल में, एक रोल जैसे थान सपोज़ समझ लो, है ना, अब थान को एक जगह दूसरी जगह लेबर नहीं ले जाएगा, उसको जो है इन इन छोटी छोटी जो मशीन्स हैं, लिफ्ट हो, ये हो गई, फॉर्क हो गई, ठीक है, ये छोटी छोटी जो आपने देखी होंगी गाड़ियाँ टाइप की होती हैं, ये एक जगह दूसरी जगह ले जाती हैं अपने ही एक ही प्लांट में, एक जगह दूसरी जगह मतलब ये नहीं कि एक प्लेस से दूसरे सिटी ले जाएंगी, वो एक ही जो अपनी इंडस्ट्री है, थोड़ा बहुत हमको ले जाना है जैसे 100 मीटर 200 मीटर आगे, तो वहाँ ये सब ले जाएंगे, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ गुड इल्यूमिनेशन एट वर्क प्लेस, अब ये जो इल्यूमिनेशन मतलब लाइटनिंग का जो इफेक्ट है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, और इन सब के जो है लॉ बने हुए हमको यही पढ़ना है। अब इलेक्ट्रिसिटी से आपको पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या डेंजर हैं, आप वोल्टेज है, एम्पेयर है, तो ये सब कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, अर्थ फॉल्ट ना हो, अर्थ फॉल्ट मतलब जो आपका सपोज़ कहीं करंट फ्लो हो रहा है, अगर हमने उसको अर्थ नहीं किया तो वो फिर फ्लो होकर इधर उधर जिसको टच करेगा उसको लग सकता है ना, तो हम लोग जनरली जहाँ पर भी कहीं फॉल्ट होगी उसको अर्थ कर देते हैं, ठीक। और प्रोटेक्शन ऑफ जॉइंट एंड कंडक्टर, जॉइंट मतलब जहाँ पर अगर कहीं दो पॉइंट हमने जोड़े हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको एकदम जो है उसको छुपाना होता है ना, कि वो चीज़ एक्सपोज ना हो एयर में या किसी कोई टच ना करे, अगर उसके ऊपर टेपिंग कर देते हैं ना, टेप लगा देते हैं, तो ऐसे ही यही सब चीज़ें हम लोग करेंगे इंडस्ट्री में भी, बट थोड़े से बड़े लेवल पे करेंगे। उसके बाद फायर एक्सप्लोजन है, फायर एक्सप्लोजन पढ़ना है आपको। फायर एक्सप्लोजन के लिए आपने सुना होगा फायर एक्सटिंग्विशर ना, तो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं हम लोग, तो फायर एक्सटिंग्विशर आपके फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होंगे हमारे सब जो है इंडस्ट्रीज़ में, आपकी अलग अलग सबकी प्लेसेस बनी होती हैं, इन सब की भी ऑडिटिंग होती है, मतलब चेकिंग होती है कि ये टाइम सही जगह रखे हैं नहीं रखे हैं ना, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे रखे होते हैं। अगर सपोज़ आप ड्यूटी पे हो और उस टाइम आपको कहीं लग रहा है कि कहीं फायर है, कहीं आग लगी है, तो आप वो एक्सटिंग्विशर लेके अपने आप भी जो है आग फायर पे उसको स्प्रे कर सकते हैं, उससे बुझा सकते हैं, ठीक। अब ये आपने पढ़ा होगा फायर एक्सटिंग्विशर, नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाले फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, फायर एक्सटिंग्विशर का बेसिकली काम ये होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई को काटना है हमें, है ना, ऑक्सीजन से ही आग बढ़ती जाती है, तो ऑक्सीजन ही कट कर देते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड आके ढक लेती है उसको, तो इससे जो है हमारा ये बढ़ जाता है, ठीक है।
इनका भी एक प्रॉपर आपका सीक्वेंस होता है कि एक्सटिंग्विशिंग फायर, ये जो फायर हैं जो आपके बॉटल टाइप की जो आपने देखा होगा, तो इनका भी चेंजिंग ओवर पीरियड भी होता है कि इनको हमें इस टाइम पे चेंज भी करना है। ठीक है, ये अभी तो ऊपर पड़े हमने स्पिनिंग वीविंग के प्रोसेस से, अब जितने प्रोसेस हैं ये केमिकल प्रोसेसिंग के हैं। ठीक है, ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, तो इन सब में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे होगी, केमिकल से। तो केमिकल को ऐसे यूज़ करना है कि प्रॉपर जो है अरेंजमेंट सही रहे, ऐसा ना हो कि केमिकल इधर उधर पड़ा है या कहीं स्प्रे हो रहा है। ठीक है, तो ब्लीचिंग है, डाइंग है, प्रिंटिंग है, फिशिंग है, फिनिशिंग है, और ठीक है ये आपके, तो और बहुत सारे केमिकल हैजार्ड्स होते हैं इसमें। इफ्लुएंट इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, इफ्लुएंट मतलब होता है जो भी आपका वेस्ट बचा है तो हम लोग उसको ऐसे ही नहीं करते हैं ना। मान लो सपोज आपने प्रोसेस कर दिया, उसके बाद कुछ वेस्ट बचा तो उसमें भी तो केमिकल है, तो उसको अगर हम लोग ऐसे ही डिस्पोज कर देंगे, ऐसे ही कहीं बाहर फेंक देंगे, तो एक्वेटिक जो है पानी में जो पानी के जानवर हैं, मछलियाँ हैं बहुत सारे, तो इसलिए हम लोग इनको ऐसे नहीं बेचते, हम लोग इनको ट्रीट करते हैं, थोड़ा उसमें से केमिकल दोबारा फिर निकाल लेते हैं। ठीक है, कि ताकि पानी अगर हम आगे बहाएं तो ज़्यादा पॉल्यूटेड ना हो। इसके बाद हेल्थ एंड वेलफेयर है। हेल्थ एंड वेलफेयर मतलब ये हेल्थ हैजार्ड क्या है, डस्ट और फ्लाई होता है पहली बार स्पिनिंग में। ठीक है, स्पिनिंग में सबसे ज़्यादा होता है, होगा तो सब जगह। तो ये नॉइज़ वाला जो इशू है ये आपको मिलेगा वीविंग में। वीविंग में जब लूम चल रहे होंगे, ठीक है, तो वीविंग में बहुत नॉइज़ होगी, इतनी नॉइज़ होगी कि आपको ईयरबड यूज़ करने होते हैं, और वो यूज़ यही आपके सेफ्टी मेजर्स हैं कि जो आपको बोला जा रहा है वो आपको प्रिकॉशनरी करने हैं। ठीक है, तो ये नॉइज़ जनरेटेड हो गया। इसके बाद पर्सनल प्रोडक्शन एंड इक्विपमेंट, मतलब कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो है कुछ अलग से ग्लव्स हैं या शूज़ हैं या एप्रन है, तो ये सब पहन के रखना है, तो ये पर्सनल प्रोडक्शन और इक्विपमेंट्स हो गया। ठीक है, और बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें एक तरह की फ़र्स्ट एड फैसिलिटी रहती है। अब जो छोटी मोटी एक्सीडेंट हैं वो तो ऑलमोस्ट होते ही रहते हैं, कहीं हल्का सा किसी को केमिकल टच हो गया या कहीं हल्का सा कट गया, ये तो छोटे मोटे एक्सीडेंट हैं, ये हमें बड़े को तो प्रिवेंट करना है, छोटे मोटे तो होते रहते हैं, लेकिन उसके लिए हम अरेंजमेंट रखते हैं, जैसे फ़र्स्ट एड फैसिलिटीज़ हम रखते हैं। ठीक है, क्लिनिक्स रखते हैं। ठीक है, और अगर इंडस्ट्रीज़ है आपकी तो वहाँ पे अंदर ही एक डॉक्टर भी बैठते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में, तो छोटी मोटी चीज़ों को देख लेंगे कि अगर छोटा मोटा इशूज़ हुआ तो। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ है आपका सेफ्टी स्टैचूज, मतलब यहाँ पे आपको फिफ्थ यूनिट में हमको लॉस पढ़ने होंगे। अब ऐसा नहीं है ना, सब पूरे इंडस्ट्रियल लॉ बने हुए हैं ना, हर चीज़ का लॉ है, तो इसमें कौन कौन से लॉ पढ़ने हैं हमको ये देख लेते हैं। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एंड लेजिस्लेशन है ना, मतलब एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर, ऐसे कोई कंपनी मोनोपोली या कुछ भी नहीं कर सकती, तो पूरा एक लॉ पढ़ना है हमें। ठीक, इंडियन बॉयलर एक्ट एंड रेगुलेशन, अब ये वाटर कंट्रोल पॉल्यूश, वाटर का जो पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है या एयर का जो पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है ना, वो सब आपको एक दिया, आपने चिमनियाँ देखी होंगी ना, तो वो सब एक लेवल पर ही आप पूरा वो कर सकते हैं, हवा में निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी पॉल्यूटेड एयर आप निकाल रहे हैं, उसको थोड़ा सा आपको एक लिमिट तक ही रखना है। इन सब के अलग अलग लॉ हैं, एक्ट हैं, तो यही हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब जो आपके फर्स्ट टॉपिक होगा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जैसे सबसे फर्स्ट टॉपिक तो आपका यही है कि व्हाट इज़ द नीड फॉर इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ठीक है, तो नीड क्या है आपकी, नीड तो यही है ना कि एक्सीडेंट को हमें रोकना है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्यों रखनी है, ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप यही लिखेंगे कि इट इज़ नीडेड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन द इंडस्ट्री बाय रिड्यूसिंग एनी हैजार्ड, हैजार्ड मतलब खतरा, कोई खतरा ना हो। ठीक, अब एक्सीडेंट कम रखना है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, सेकंड क्या है, एक्चुअल में ऐसा होता है सपोज़ कहीं एक्सीडेंट हुआ है आपका, तो एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद भी सपोज़ किसी मशीन पे एक्सीडेंट हो गया, तो जो वर्कर था या किसी जिसके साथ हुआ वो तो प्रॉब्लम में है, बट कंपनी भी प्रॉब्लम में है, क्योंकि उस टाइम अब अगर 2 घंटे 3 घंटे आपका वो चला है तो मशीन पे 2-3 घंटे क्या होगा, मशीन नहीं चल पाएगी, है ना। तो ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, प्रोडक्शन लॉस है। तो कंपनी में इसीलिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी को फॉलो करते हैं कि इस तरह के इंसिडेंट अगर हो जाएंगे तो और हमारा लॉस होगा। तो सेकंड पॉइंट इसी पे है कि इट इज़ नीडेड टू एलिमिनेट एक्सीडेंट कॉजिंग वर्क स्टॉपेज, वर्क रुक जाएगा ना पूरा आपका, किसी मशीन पे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उस मशीन पे फिर चेक किया जाएगा, उसको रीस्टार्ट करने में कुछ प्रोसेस टाइम लगेगा ना, तो हमको ये प्रोडक्शन लॉस होगा। ठीक है, तो इट इज़ नीडेड टू एलिमिनेट एक्सीडेंट कॉजिंग वर्क स्टॉपेज एंड प्रोडक्शन लॉस। अब थर्ड क्या है आपका, अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो वर्कर्स हैं हमारे उनके साथ अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो कंपनी क्या करेगी, कॉम्पेंसेशन देगी या मुआवजा देगी, ठीक, या उनको कुछ पैसे देगी, इलाज करवाएगी, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट देगी, तो ये सब भी कंपनीज के लिए क्या है, एक तरह की कॉस्ट है, कंपनी के पैसे लगेंगे ना इन सब चीज़ों में।
तो कंपनी इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक सेफ्टी लॉ फॉलो करती है। तो इट इज़ नीडेड टू रिड्यूस वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन, इंश्योरेंस रेट एंड ऑल कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, तो ये आपके क्या है, नीड फॉर इंडस्ट्रियल सेफ्टी है। फर्स्ट है, इट इज़ नीडेड टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इन द इंडस्ट्री बाय रिड्यूसिंग एनी हजार्ड्स। सेकेंड है, जो वर्क स्टॉप है, जो प्रोडक्शन लॉस है वो ना हो। और थर्ड है कि इट इज़ नीडेड टू रिड्यूस वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन, इंश्योरेंस रेट एंड ऑल कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। मतलब जो कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट है, अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो कॉस्ट लगेगी। तो कंपनी तो यही चाहती है ना कि सेफ रहे, हमारे कॉस्ट भी सेफ रहे और हमारा स्टाफ और वर्कर भी सेफ रहे। ठीक है, तो अभी तो जस्ट यही है। अभी अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा सिलेबस कवर करने में, इसका थोड़ा सा बस नोट्स पढ़ने, हमको नोट्स बना लेंगे, बहुत स्पीड से फिर सिलेबस कवर होगा। ठीक, बाकी आप लोग एक बार जो है बुक देख लेना, कोई भी बुक आप लोग डिप्लोमा लेवल पे जाके मार्केट से देख लेना, जो भी बुक मिल जाए। ऐसे कोई स्पेसिफिक बुक नहीं चाहिए, बस आपका सिलेबस उसमें होना चाहिए। ठीक है, हाँ, बाकी आप, हाँ, एक दो चीज़ जो हमने एक्सीडेंट बताया जो एक्चुअल में इंडस्ट्रियल सेफ्टी ना होने की वजह से हुए हैं, जैसे कि आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी है, ठीक है, चेर्नोबिल है, और ठीक है, इसमें सब में क्या हुआ, इन सब का कोई रीज़न नहीं है। मतलब ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि ये प्रिवेंट नहीं हो सकते थे, ये सब एक तरह की मैनेजमेंट केयरलेसनेस है। ठीक, कि सपोज़ कोई चीज़ बदलनी है तो उसको बदला नहीं किया, कि बदलेंगे तो हमारे पैसे लगेंगे, हमारा फाइनेंशियल बर्डन आएगा, तो इससे अच्छा बदलो ही ना। ठीक है, और जब नहीं बदला जाता है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक, चेर्नोबिल है, आपका न्यूक्लियर प्लांट बन रहा था वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका कुछ एक्सपेरिमेंट या टेस्ट करना था, तो वहाँ पे कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं थी टेस्ट करने वाली, बहुत जूनियर लेवल के बंदे थे, तो उनसे ये टेस्ट करवाया जा रहा था, तो वहाँ पे उनका ये इशू हो गया, है ना। बाकी आप जो है इसको, ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी डिस्कस करते हैं। अभी ये फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन में ही लेक्चर निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से स्पीडअप होंगे, तो जल्दी जल्दी कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।